इसने अपनी देखें कंडीशन क्या बनाई हुई, यहाँ पर गिरा हुआ बुरी तरह से, ये चेक करें, इसको निकालते हैं यार। ये मैंने भी देखा, मैंने उसको लेटा हुआ है क्या कर रहा है, देखें टांग किस तरह इसने फंसाई हुई है और कितना डेंजरस तरीके से मतलब फंसा हुआ है। तो इसको निकालते हैं भाई साहब, निकलो 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 चीते बिरादरान, सबर 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 सबर, थोड़ा सबर भाई, थोड़ा सबर भाई, गला बाबला, ये डेंजरस हो गया काम थोड़ा सा भाई, इसको ना थोड़ा सा, ये देखें यार काफी डेंजरस कर दिया इसने यार, सबर सबर काम, सबर 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 बच्चा, सबर कर यार, सबर कर, किधर किधर जा रहा है तू, सबर कर, अब जाके कुछ, ये देखें कितना बुरी तरह फंस गया था ये यार, तूने ना अभी ये चेक करें, अब बिल्कुल तैयार नहीं भाई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप, सब होंगे खैर खैरियत से। तो दोस्तों आज शाम का टाइम में दिखा दूँ, बकरियां भाई देखें हमारी, सारी घास डाल दिया इनको, तो सारी घास खाने में मसरूफ है, यहाँ पर छोटा बच्चा बना हुआ है और उनके साथ देखें बकरियां, वो देखें लल्लो और दूसरी बकरियां, वो बिलेकी को मार रही भाई, लल्लो लल्लो देखें अकेले खाने की कोशिश कर रही है और इनको मार रही है, और जानवर यहाँ पर बंधे हुए, इनको पानी पिलाना भी शाम का टाइम में, और यहाँ पर कुछ देखें ये बेचारे बैठे हुए, घास इनके लिए स्पेशल लूसन लाए गए क्योंकि जो जानवर बकराईद पे मतलब इनकी खिदमत की जा रही है, बकराईद पे जो बेचने हैं उनकी, वीर काफ़ी खुश है माशाल्लाह। हाँ भाई वीर, वीर काफ़ी खुश है, ये छोटा शहजादा, और ये देखें इसको थोड़ा सा घास में डाला, इसको और डाल दें थोड़ा सा, ये और लोर 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 खा लो भाई, ये बहुत शरारती है, ये रात को बड़ा तंग करती है, और ये तीनों दोस्त खाने में मसरूफ़ हैं, चीता बिरादरान और वो हमारा क्या नाम से वीर की कॉपी, और रेबिट्स को पता नहीं घास डाला, वो देखें और रेबिट्स देखें, ओ ये चेक करें कहाँ से देख रही है, तो इसको ज़रा चेक करते हैं, क्योंकि घास वगैरह डाला पता नहीं डाला, ओड़ भाई साहब इनको घास डाला ही नहीं, तो इनको दोस्तों घास डालते हैं यार बेचारों को, ये घास पड़ा हुआ है तो यहाँ से थोड़ा सा घास ले लेते हैं भाई साहब, भाई साहब घास घास घास, आ जाओ भाई आ जाओ भाई आ जाओ, ये अपनी घास ले ली भाई फाइनली, और ये लेकर चलते हैं हम यहाँ पर, हमारे रेबिट्स को खोलेंगे और इन सबको डालेंगे, बड़े शौक से खाएंगे अभी, देखना भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब खा लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये देखें सब खाने मसरूफ हैं, कुछ ही आ गए, एक और वो होल से निकल रहा है, और देखिए देखें ये होल से निकल रहे, सब खाएंगे दोस्तों, ये अभी अपन बंद करता हूँ तो मैं देखना अभी सब खाने के लिए आ जाएंगे यहाँ पर फ़ौरन से। तो दोस्तों यहाँ पर ये टूटा हुआ है, यहाँ पर इसको अच्छे से बंद करना होगा, इसको ज़रा अच्छे से बंद कर देता हूँ मैं, ओ ये बंद कर दिया मैंने, और यहाँ पर ये, और यहाँ पर हम लगा देते हैं एक ईंट का टुकड़ा, और ये बंद हो गया है, बहुत अच्छे से बंद हो गया, ये देखें दोस्तों ये चेक करें सब, इसको क्या हो गया भाई, भाई टांगे निकालना तुम सारे, यार जल्दी हो, क्या मसला है तुम्हारे साथ यार, निकल 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 निकल। गाइज आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, आज हमारे कज़न के बहुत सारे रेबिट्स वो सारे बाहर निकले हैं, तो आपको आज के सीन में वो दिखा देता हूँ, ये देखें भाई साहब कितने प्यारे प्यारे बेबीज निकले में, और ये देखें सारे अंदर पता नहीं क्या क्या डाला हुआ इनको, और ये चेक करें, और थोड़ा आपको कज़न का तारुफ करा दे रहे हैं, हेलो भाई, या भाई ये बहुत प्यारे कज़न हैं, इनका यूट्यूब चैनल है और शोएब व्लॉग इन विलेज, तो आप विज़िट कर सकते हैं इनका चैनल। कज़न की एक और चीज़ मैंने यहाँ पे चेक की है, देखें कितने प्यारे प्यारे बेबीज़ यहाँ पे बंद हुए हैं सारे, तो ये मैंने अभी देखे थे, वरना मैं ये भी मैंने मेरे को, चलो ये भी दिखाते हैं दोस्तों को, ये कुछ शार्ट हैं, इनमें से कुछ बाहर गए हैं, कुछ यहाँ पर ये बंद किए, कितने एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ बच्चे हैं भाई ये बेबीज़। फिर दोस्तों काफ़ी दिन से आपसे मैं बोल रहा हूँ, आप लोग आप दोस्त सारे हमें सपोर्ट करें, ताकि हमें अच्छे से अच्छे हमें सपोर्ट मिले और अच्छे से व्लॉग बने, और व्लॉग बनाने में मज़ा आए और आपको देखने में मज़ा आए, थोड़ा इंटरेस्ट हो, और दोस्तों हम अपने पीट्स को इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इस तरह बड़े आगे बढ़ाएंगे, और अपने मतलब इसको जितना भी हमारे पास जो पीट्स हैं इन सब में इजाफा करेंगे, मोर के बेबीज़ हमें लेके आने हैं अभी, और पार्टेज ब्लैक पार्टेज मेल लेके आना है, और दूसरे एक्स्ट्रा काफ़ी सारे मतलब हमारे पास जो हैं बर्ड्स वो हमें लेकर आने, पीट्स बर्ड्स जो पालने वाले हैं, और उनको अच्छे से केयर करके उनसे ब्रीड करानी, मेन चीज़ हमको उनसे ब्रीड करानी है। तो सारे दोस्त चैनल पर सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करें, व्लॉग को लाइक वगैरह कर दिया करें, और सपोर्ट फुल किया करें भाई को, ताकि ये अच्छे से हम सारी चीज़ को मैनेज कर सकें। तो दोस्तों ये चीज़ें थी बताने की, तो सारे दोस्त सब्सक्राइब लाइक और कमेंट वगैरह कर दिया करें बिना कहे। दोस्तों हमारा शाम का टाइम है, तो सारे जानवर देखें, कुछ हमारे जानवर नहीं, लेकिन गाँव में गरीब जो यहाँ पर हमारे रहते हैं, दूसरी कौम रहती है उनके जानवर हैं, तो सारे देखें पानी वगैरह पीकर अब घर को जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी कुछ पानी पीने लगे हुए अपने किनाल में, ये किनाल अपना है लेकिन जानवर अपने नहीं है, तो ये सारे देखें कितने प्यारे प्यारे से, इसमें जो छोटे छोटे दो गाभे भी हैं दो तीन, और वहाँ पर हमारी डक्स बैठी हुई सामने, तो हमें डक्स से मिलना है, तो चलते हैं उनके पास और उनसे कुछ देते हैं खबरचार। तो यहाँ पर ये देखें भाई ये रास्ता लेके ऐसे जा रही है, किंग हो यहाँ की, तो चलते हैं हमारे डक्स से कुछ मुलाकात करते हैं, और यहाँ पर भाई इनकी लव स्टोरी चल रही है,
दोस्तों काफ़ी दिन पहले हमने एक चीज़ यहाँ पे नोट की थी कि यहाँ पर एक डब ने बच्चे निकाले थे, तो ज़रा उन पर नज़र मारते हैं। यहाँ पर कहीं थे इस साल से, तो अगर होंगे तो यहाँ पर नहीं, इस जगह पे थे दोस्तों, तो ज़रा उनको चेक कर लेते हैं, शायद मिल जाए हमें, या फिर लेकर चली गई होगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए उनको, हमने जब चेक किए थे काफ़ी दिन पहले, तो यहाँ पर कहीं थे दोस्तों, वो लेकर चली गई है। ये बना हुआ नेस्ट, ये चेक करें, लेकिन यहाँ पर वो है नहीं, तो शायद यहाँ से लेकर चली गई अपने बच्चों को। पहले कितने मज़े के साथ बैठी हैं, उनके पास चलते हैं ज़रा। ये देखें भाई, आहिस्ता आहिस्ता केनाल की तरफ जा रहे हैं। किधर जा रहे हो? सबर सबर सबर, किधर जा रहे भाई? भाई ये देखें, सारी केनाल में घुस चुकी हैं, और शाम का टाइम है, अभी घर को जाएंगी। यहाँ पर बैठी हुई थी, ये देखें कितनी ज़बरदस्त जगह, इनको साइड में मतलब जजीरा है कि समझे, चारों तरफ पानी है, वो साइड थोड़ा खुला हुआ है, बाकी साइड में चारों तरफ पानी है, और दरमियान में हमारी डक्स बैठी हुई भाई, ये चेक करें माशाल्लाह। दोस्तों डक्स हमारी फाइनली बाहर निकल चुकी हैं, और मेरे ख्याल से अभी इनका प्रोग्राम है जाने का। तो ये देखें जितना भी ये पड़ा हुआ है यहाँ पर भाई, इन डक्स का शाम के टाइम इनको अच्छे से खुराक यहाँ पर मिल जाती है, और बड़े मज़े से यहाँ पर लाइफ इंजॉय करते हैं ये, और काफ़ी मज़ा आता है इनको। अब देखें, अब अपनी सारी फैमिली को लेकर जा रही है, राजा और रानी अपनी सारी फैमिली को यहाँ से लेकर जा रहे हैं, और सारे यहाँ पर ये देखें सारे इसमें इंजॉय करेंगे, और फुल मज़े के साथ यहाँ पर घूमेंगे फिरेंगे। तो अभी सीधा इनके मतलब ये एरिया सारा जितना पड़ा हुआ है फिलहाल, इसके अंदर ये किसी का नुकसान भी नहीं करती, और यहाँ पर खाने पीने की उनको काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं, तो फिलहाल वहीं पर ये जा रही हैं। और यहाँ पर एक कुत्ते से दोस्तों वैसे नहीं डरती, कुत्ते वगैरह इनको मतलब कुछ बिगाड़ते भी नहीं है, उनसे डरती भी नहीं है ये कुत्ते वगैरह उनसे, और इन चीज़ों को इनको डर नहीं है। तो अभी देखें यहाँ पर चली गई है, और दोस्तों जैसे सूरज ढलेगा ये मतलब घर को आ जाएंगी, और सुबह फजर की नमाज के टाइम मतलब ये घर से निकल कर और गाँव में जो है कि इनको मतलब फजर के टाइम दरवाज़ा खुल जाता है, तो निकल के बाहर और यहीं को ये निकल कर आ जाएंगी। तो अपने व्लॉग को दोस्तों इसी साथ आज एंड करते हैं। आई होप कि आज के व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे दोबारा किसी न्यू और नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।